सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोआरिफ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरिफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्नोआरिफ। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं मोटो जी फाइव प्लस में ओरियो अपडेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मोटो जी फाइव प्लस में जो ओरियो अपडेट मिलने वाला है वो 8.0 होगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको मोटो जी फाइव प्लस में जो वर्जन मिलने वाला है ओरियो का तो 8.1 होगा। तो यहाँ पे और भी कुछ बताया जा रहा है कि आपको ये जो अपडेट है आपको कुछ हफ्ते के अंदर में आपको आपके फ़ोन में रिलीज कर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फेयर बिक्स, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है जुलाई का सिक्योरिटी पैच होगा और यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं इस ओरियो अपडेट में। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरफेस एंड पैक्स इन सोम न्यू फीचर्स टू, देयर इज ए न्यू पिक्सल टू लॉन्चर ए रिडून पावर मेन्यू ग्राउंड आइकन फॉर द स्टेटस बार एंड सेटिंग ऐप ए न्यू एनिमेशन फॉर स्विचिंग डाउन एंड रिबूटिंग द फोन एंड इनहेंसड स्टेबिलिटी। एडिशनली द न्यू अपडेट इंक्लूड्स ए न्यू मोटो एक्शन फीचर वेयर यू कैन स्लाइड थ्री फिंगर ओवर द स्क्रीन टू टेक्स इट्स स्क्रीन शॉट्स। देर इज ए न्यू लाइट थीम एंड ए डार्क थीम एनी दे स्विच ऑटोमेटिकली विजिट ऑन द वॉलपेपर। अदर मोटो जी फाइव प्लस यूजर कैन एक्सेप्ट टू रिसीव द न्यू एंड्रॉयड 8.1 ओरियो अपडेट विद जुलाई सिक्योरिटी पैच एंड एन एनहेंसड यू आई इन द नेक्स्ट फेव बिक्स एज मोटोरोला फिक्सेस any bugs that could be reported by in the MFN tester। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ओरियो अपडेट जो है अभी टेस्ट किया जा रहा है, टेस्ट करने के बाद आपको कुछ हफ्ते के अंदर में रिलीज कर दिया जाएगा और यहाँ पर बहुत सारे फीचर जो है ऐड किए गए हैं इस ओरियो अपडेट में। तो यहाँ पर बताया जा रहा है रिडून पावर मेन्यू, मतलब राउंड आइकन, यहाँ पर जो आपको आपका फ़ोन में एप्लीकेशन जो होगा आपको राउंड आइकन में मिलेगा ओरियो अपडेट में। और यहाँ पे जो आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करते थे उस टाइम आपको रिबूटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता था, वो अभी आपको इस ओरियो अपडेट में मिलेगा बहुत ही आसानी से। और जैसे कि आप अपने फ़ोन में स्क्रीन शॉट्स लेना चाहते हैं तो आपको तीन फिंगर से आपको स्क्रीन पर स्लाइड करना होगा और आपको स्क्रीन शॉट्स कैप्चर हो जाएगा, तो आपको मोटो एक्शन में वो फीचर ऐड किया जाएगा। तो यही सारे फीचर्स जो है ओरियो अपडेट में ऐड किए जाएंगे। तो देखते हैं कि आपको ओरियो अपडेट 8.0 मिलता है या 8.1 मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।